दर्शकों आज बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2020। देखिए 2020 में गुरु जो कि 5 नवंबर 2019 को थर्ड हाउस में चले गए हैं और पूरे साल 2020 में यहां पर थर्ड हाउस में अपनी राशि में गुरु होंगे। गुरु की ये बहुत अच्छी पोजीशन होगी और केतु इनके साथ होगा तो केतु इनके पावर को और ज्यादा बढ़ा देगा। शनि 24 जनवरी 2020 को थर्ड हाउस से निकलकर फोर्थ हाउस में मकर राशि में चले जाएंगे तो ये शनिदेव की बहुत अच्छी पोजीशन तुला राशि वालों के लिए होगी। तो इसका क्या प्रभाव पूरे साल तुला राशि वालों में पड़ेगा, राहु जो कि नवम भाव में उच्च के चल रहे हैं और केतु थर्ड हाउस में उच्च के बैठे हुए हैं तो इनका भी क्या प्रभाव पूरे साल पड़ेगा, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे और एक एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गुरु की। गुरु 5 नवंबर 2019 से यहां पर आपके धनु राशि में चल रहे हैं तो यहां पर गुरु जो है एक तो थर्ड हाउस के लॉर्ड है, एक सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। तुला राशि की कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में एक चीज और क्लियर कर दूं, तुला राशि और तुला लग्न दोनों इसको देखिएगा। तुला राशि की कुंडली में गुरु जो है वो थर्ड हाउस और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड होते हैं, शुक्र के साथ इतना अच्छा रिलेशन शेयर नहीं करते हैं तो बहुत अच्छे स्थिति, बहुत अच्छा ग्रह इस कुंडली के लिए नहीं माने जाते हैं। लेकिन चूंकि थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर के थर्ड हाउस में यहां बैठेंगे गुरु तो ये गुरु की अच्छी पोजीशन होगी। माइनस और माइनस प्लस होता है ये आपने पढ़ा होगा, तो सिक्स एट्थ और ट्वेल्थ का लॉर्ड जब निगेटिव हाउस का लॉर्ड निगेटिव हाउस में बैठता है या थर्ड हाउस भी एक तरह से निगेटिव माना जाता है, फालतू मेहनत का भी ये घर होता है, तो निगेटिव थर्ड हाउस का भी लॉर्ड होकर जब थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट बैठता है तो उस प्लैनेट की ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है और केतु इसके बल में वृद्धि करता रहेगा। लेकिन गुरु की बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छा परिणाम आपको तब मिलना स्टार्ट होगा जब 24 जनवरी 2020 को शनि थर्ड हाउस से निकलकर यहां फोर्थ हाउस में चले जाएंगे। जब तक शनि यहां रहेंगे तब तक कम अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर अभी जब 24 जनवरी 2020 को शनि चले जाएंगे और केतु के साथ यहां गुरु होगा तो गुरु सबसे पहले आपके प्राकर्म को बढ़िया करेगा। 2020 में गुरु की कृपा से गुरु थर्ड हाउस का लॉर्ड होकर के प्राकर्म का मालिक होकर के प्राकर्म में बैठेगा और केतु उसके पावर को 4 गुना 5 गुना तक बढ़ा देगा। तो यहां सबसे पहले आपको बहुत अच्छा प्राकर्म गुरु फील करवाएगा। आप अपने मेहनत से, स्ट्रगल से अपने भाग्य को, गुरु सातवीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे और राहु को भी सही करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर अपने श्रम से, अपने मेहनत से, संघर्ष से आप अपने भाग्य को बनाने की बहुत कोशिश करेंगे। गुरु इतना पराक्रम करने की शक्ति आपके अंदर 2020 में देगी। उसके साथ गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ेगी सेवंथ हाउस में जाके विवाह स्थान पर। गुरु की दृष्टि में अमृत है और गुरु की दृष्टि यहां मंगल की राशि मेष राशि पर पड़ेगी तो वैवाहिक जीवन के लिए भी यह अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन में अगर आपका द्वंद्व चल रहा है तो उसको कम करने की कोशिश गुरु करेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह होने के रास्ते गुरु खोलेंगे। उसके साथ साथ बिजनेस व्यापार का भी ये घर होता है तो पांचवी दृष्टि से आपके बिजनेस व्यापार के घर को भी बेहतर करने की कोशिश यहां पर गुरु करेंगे, बिजनेस और व्यापार को अच्छा करेंगे। उसके बाद गुरु की सातवीं दृष्टि जाकर पड़ेगी भाग्य भाव पे तो भाग्य भाव पे भी गुरु की दृष्टि अच्छी रहेगी। हालांकि राहु की दृष्टि भी गुरु पर पड़ जाएगी तो उसके लिए क्या आपको रेमेडी करनी है वो मैं बताऊंगा, लेकिन गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी अच्छी रहेगी। धर्म के क्षेत्र में आपको प्रगति देने की कोशिश करेंगे, भाग्य के क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश गुरु करेंगे, धार्मिक यात्राएं आपको गुरु करा सकते हैं, ये सब बेनिफिट आपको गुरु देने की कोशिश करेंगे। फिर गुरु की जो नौवीं दृष्टि जाकर पड़ेगी आय भाव पर, यहां सिंह राशि पर जाकर दृष्टि पड़ेगी इनकी मित्र दृष्टि, तो आय भाव के लिए भी अच्छी रहेगी ये, आय में भी वृद्धि करने की कोशिश गुरु यहां पर करेंगे। ये सब अच्छे परिणाम आपको गुरु 2020 में इस गोचर से दे सकते हैं। अब देखिए बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव तुला लग्न में बहुत ही योग कारक ग्रह बनते हैं क्योंकि फोर्थ हाउस के और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होते हैं एंड ही शेयर्स वेरी गुड रिलेशन विथ योर लग्न लॉर्ड वीनस। वीनस शुक्र के साथ इनका जो रिश्ता है शनिदेव का वो बहुत ही अच्छा है, इवन तुला राशि में ही शनिदेव उच्च के होते हैं तो बींग ए वेरी योग कारक प्लैनेट व्हेन ही विल बी पॉजिटिव इन फोर्थ हाउस इन हिज ऑन साइन कैप्रिकॉर्न तो क्या होगा, मकर राशि में यहां पर शनि का बैठना दो स्थिति क्रिएट करेगा। एक देखिए आपको ढैया भी लगेगी और दूसरा मकर राशि में शनि का केंद्र में बैठना अपनी राशि में सस नाम का महापुरुष योग बनाता है और ये योग अधिक फलित हो जाता है जब योग जिस लग्न में शनि योग कारक होते हैं उस लग्न की कुंडली हो। तो यहां पर शनि बहुत योग कारक ग्रह है तो ये सस योग बहुत अच्छा रिजल्ट आपको यहां पर कर सकता है, लेकिन शनि की ढैया भी है, दोनों चीज का आप ख्याल रखिएगा। देखिए सस योग के दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे तो फोर्थ हाउस में यहां शनि का बैठना आपके लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित चीजों को अच्छा करने का प्रयास करेगा। अगर इन चीजों को खरीदने के प्रयास में आप हैं वो बेहतर कर सकते हैं, शनि माता के स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, माता से आपके रिश्ते अच्छे कर सकते हैं और शुभ भाव आइए तो शुभ भाव में वृद्धि यहां पर शनि कर सकते हैं। तीसरी दृष्टि जाकर यहां पर आपके सिक्स्थ हाउस पर पड़ेगी तो आपके शत्रु को भी नाश करने की कोशिश करेंगे शनि। हालांकि डेट से रिलेटेड आपको कुछ कर्ज से रिलेटेड जो चीजें होंगी उसमें भी अच्छा बेनिफिट यहां शनि दे सकते हैं। फिर शनि की सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके टेंथ हाउस पे जाके,
टेंथ हाउस, हाँ टेंथ हाउस पे जाके पड़ेगी, टेंथ हाउस पे इनकी शत्रु दृष्टि पड़ेगी क्योंकि चंद्रमा की राशि वहां पर है। तो कार्य क्षेत्र में आप थोड़ा सा संबंध अच्छा बनाकर चलिएगा, कार्य क्षेत्र में आपके जॉब बदलने के चांसेस हो सकते हैं, थोड़ा बहुत विवाद ये करा सकते हैं, तो कार्य क्षेत्र में आप थोड़ी सी सावधानी रखना, अच्छे से चलना कार्य क्षेत्र में अपने। उसके बाद शनि की दसवीं दृष्टि जाकर लग्न पर पड़ेगी। देखिए लग्न पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो शनि आपको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, प्यूरिफाई करने की कोशिश करते हैं। माई मिंटू से आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, अगर आपके कर्म बुरे हैं या फिर आप अहंकार आप में है या अति ज्यादा उत्साह आपके मन में है, तो इन चीजों को कंट्रोल करने की शनि कोशिश करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कष्ट शनि देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा इसको निगेटिवली मत लेना, अपने आप को निखारना। जब शनि मकर राशि में यहां पर आ जाए तो आप खुद ही अपने व्यवहार को अच्छा कर लीजिए, फोर्थ ग्रेड पीपल के साथ अच्छा व्यवहार करिए, पेरेंट के साथ अच्छा व्यवहार करिए, अपना बिहेवियर पैटर्न सही रखिए, अहंकार और दंभ से बिल्कुल बचिए। ये सब चीज अगर आप करते हैं तो शनि के विपरीत प्रभाव से आप पूरी तरह से बचेंगे। लेकिन क्योंकि ढैया भी है तो थोड़ा सा आपको ख्याल इस बात का रखना है, लेकिन ढैया से डरना भी नहीं है, ये नहीं कि डर गए पूरी तरह से, क्योंकि शनि अकारण कष्ट नहीं देते हैं। इसलिए भय मत पालना, आप वो करना जो शनि को पसंद है। इसलिए कर्म अच्छे रखना अपने, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखना अपना, किसी की भी मजदूरी मेहनत मजदूरी कभी कम नहीं करना, उसकी मेहनत मजदूरी नहीं मारना, जहां तक हो सके लेबर क्लास लोगों को कुछ पैसे बढ़ाकर दे देना ताकि वो भी खुश रहें। इफ ही विल बी हैप्पी, वो कारक है शनिदेव के, शनिदेव आपके साथ प्रसन्न रहेंगे। बाकी फोर्थ हाउस में इनकी स्थिति मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मकर राशि में ये है तो बहुत सारे अच्छे परिणाम भी वहां यहां आपको दे सकते हैं। लेकिन शनि की ढैया देखते हुए अगर आपको ज्यादा परेशानी लगे तो थोड़ा सा आप हनुमान जी की आराधना कर लेना और शिव आराधना थोड़ा सा कर लेना, शिव चालीसा हनुमान चालीसा इसका पाठ कर लेना, तो उससे भी शनिदेव की पीड़ा आपको बहुत कम हो जाएगी। उसके साथ साथ एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो शनिदेव यहां पर है उसका प्रभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शनिदेव किस पोजीशन में है। देखिए गुरु की भी स्थिति हमने बताई और शनि की भी स्थिति बताई, तो इन दोनों के साथ साथ क्योंकि ये गोचर आधारित परिणाम है तो आपको यह भी देखना होगा किस ग्रह की महादशा आपकी कुंडली में चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा आपकी कुंडली में चल रही है और गुरु की पोजीशन और शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में कैसी है, इस पर भी गोचर का परिणाम निर्भर करेगा। यह नहीं कि सिर्फ गोचर पे ही आधारित सारी सब कुछ निर्भर करेगा, आपकी कुंडली में महादशा, ग्रह की महादशा, ग्रह की अंतरदशा सब देखनी होगी और गुरु और शनि किस पोजीशन में है उसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो अगर विशेष परिस्थिति में आप एक बार कुंडली एनालिसिस करा लीजिएगा, कोई सही निर्णय लेना चाहते हैं, स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक बार कुंडली एनालिसिस करा लीजिएगा, वो चीज आप मिस मत करिएगा क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन ही होगा क्योंकि गोचर पर आधारित है, मैंने पहले ही लिख दिया है। उसके साथ साथ ये चीजें भी आपको प्रभावित करेगी। राहु देखिए नाइन्थ में आपका नाइन्थ हाउस में उच्च का होगा और केतु यहां पर जुपिटर के प्रभाव को बहुत हद तक बढ़ाता रहेगा। और देखिए राहु की भी पांचवी दृष्टि आपके लग्न पर होगी और शनि की भी होगी, तो थोड़ा सा गुस्सा से भी बचिएगा, गुस्सा को नियंत्रण में रखिएगा, पेशेंस रख के थोड़ा सा लाइफ में चलिएगा। और जैसा कि मैंने बता दिया शिव आराधना आप करना, शिव आराधना से चंद्रमा मजबूत होता है, मन को शांति मिलती है, जो क्रोध विकार होते हैं इंसान के वो कंट्रोल होते हैं, तो शिव आराधना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 2020 में आप शिव आराधना थोड़ी करना और थोड़ी हनुमान जी की आराधना करना अगर शनि की पीड़ा आपको फील हो रही है, और विशेष परिस्थिति के लिए आप कुंडली एनालिसिस भी जरूर करा लीजिएगा। और राहु की जहां तक बात है, राहु भाग्य भाव में उच्च का है, शुक्र शनि से राहु की संबंध बहुत अच्छे हैं, आपके लग्नेश के साथ भी संबंध अच्छा ही शेयर करता है उस ग्रुप का ये है राहु, तो राहु भी अच्छा प्रभाव आपको नाइन्थ हाउस में करेगा। पांचवी दृष्टि यहां सातवीं और नौवीं दृष्टि फिफ्थ हाउस पर जाकर पड़ेगी, तो राहु हल्का फुल्का दिक्कत कर सकता है आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा अच्छा से आप धैर्य बनाकर चलना, बाकी चीजें बाकी विशेष परिस्थिति के लिए कुंडली एनालिसिस करा लेना। थैंक यू सो मच।